आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के आसपास आपको नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये पत्थर का क्या काम है और ये किस लिए डाले जाते हैं? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा ये खास वीडियो जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी अलग सी जानकारी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं क्योंकि ये किफायती है, साथ ही आरामदायक भी है। परिवार दोस्तों के साथ ट्रेन में लंबा सफर तय करना काफी मजेदार रहता है। वहीं यात्रा के दौरान हमें एक से एक बढ़कर चीजें भी देखने मिलती हैं। इन सभी चीजों में आपने एक चीज और देखी होगी कि रेलवे ट्रैक पर हमेशा नुकीले पत्थर पड़े रहते हैं। वहीं आप जब रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो ये पत्थर आपके चुभ भी जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये पत्थर वहाँ क्यों डाले जाते हैं? वहीं ये पत्थर नुकीले क्यों होते हैं, गोल क्यों नहीं होते? रेलवे ट्रैक पर नुकीले पत्थर को बैलेस्ट कहा जाता है। इसे लगाने के दो कारण होते हैं। पहला ये कि ये पटरियों को फैलने नहीं देता है। बता दें कि पहले के ट्रैक के नीचे की पट्टी यानी कि स्लीपर लकड़ी की बनी होती थी। बारिश के कारण ये गल जाती थी और इससे हादसा होने का खतरा काफी ज्यादा रहता था। ऐसे में ट्रैक पर बिछे पत्थर स्लीपर्स को जकड़ के रखते थे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब आती है कंक्रीट स्लीपर्स। ये स्लीपर्स तो बदल गए लेकिन ट्रेन का वजन काफी ज्यादा होता जा रहा है। ऊपर से इसमें यात्रियों का वजन भी जुड़ता है। ऐसे में जब रेल ट्रैक पर दौड़ती है तो पटरियों में वाइब्रेशन होता है, इससे भी स्लीपर्स फैल जाती है। ऐसे में ये नुकीले पत्थर स्लीपर्स को लंबे समय तक मजबूत टिकने में मदद करते हैं, साथ ही इससे ट्रेन का बैलेंस भी बना रहता है। जब ट्रेन इससे गुजरती है तो स्लीपर्स और ये पत्थर ही इसके भार को सहते हैं और किसी दुर्घटना की आशंका को कम कर देते हैं। वहीं जब ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजरती है तो काफी शोर भी होता है, ऐसे में ये पत्थर इस शोर को कम कर देते हैं। साथ ही ये पत्थर जो हैं वो नुकीले होते हैं। ये गोल इसलिए नहीं होते हैं कि अगर ये गोल होंगे तो ये एक दूसरे से सरकते रहेंगे, इसलिए नुकीले होते हैं। और एक और बड़ा फायदा है इन नुकीले पत्थरों का, देखिए ये ना ट्रैक के आसपास पेड़ पौधों को उगने नहीं देते हैं और इस तरीके से जो ट्रैक है वो ट्रेन के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही और काम की जानकारी के साथ में। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।